सुबह सुबह सिवान जिले के सदर अस्पताल से एक हृदय विदारक घटना निकलकर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि आज सुबह जब सिवान जिले के हरदिया निवासी एक युवती सदर अस्पताल में पहुंचती है इलाज के दौरान, तो वहां पे उसे इलाज उसका तो इलाज नहीं होता है बल्कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। जी हाँ, होता यह है कि जब वो महिला पहुंचती है इलाज के दौरान, तो उस वक्त डॉक्टर आलोक कुमार की ड्यूटी थी और वो ड्यूटी में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ तक कि परिजन कर्मियों से भी कहते हैं कि इलाज किया जाए, तो वो लोग भी अपना फ़ोन चलाने में इस तरीके से मशगूल रहते हैं कि उस युवती को इलाज नहीं हो पाता है और इस युवती का मौत हो जाता है। इस घटना के दरमियान वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री समाजसेवी श्रीनिवास यादव जी क्या कुछ बताते हैं पूरी घटना के संदर्भ में, सुनिए इनसे। जो ये हंगामा हो रहा है सदर अस्पताल के प्रांगण में, आखिर क्यों? देखिए, हरदिया पचरुकी थाना क्षेत्र के हरदिया गांव के परवीना नाम की लड़की आई थी जिनका तबीयत खराब था, और सुबह वो आई थी और जिस समय वो आई थी उस समय जिन डॉक्टर का ड्यूटी था वो ड्यूटी पीरियड में इमरजेंसी में नहीं थे, वो कहीं चले गए थे, और जिसके चलते वो आया और जो व्यक्ति जो स्टाफ ड्यूटी में थे उनसे कह रहे थे कि इलाज करिए इलाज करिए ऑक्सीजन दीजिए नहीं तो मर जाएगी, और उसी पीरियड में वो ऑक्सीजन देने में काफ़ी विलम्ब कर दिया जिसके वो प्राण माने निकल गया। उसके बाद से परिजन के स्वाभाविक है हल्ला हंगामा करेंगे कि भाई क्यों नहीं हुआ। उसके बाद से वहाँ के स्टाफ ने हमको सूचना दिया, मैंने टाउन थाना को सूचना दिया और सदर अस्पताल के थी जब मैंने स्वयं गया उसके उससे बुझा समझा कर परिजन को मैंने भेजवाने का काम किया। बाकी निश्चित तौर पर हम सिविल सर्जन से मांग करेंगे कि उस समय के पीरियड देख लीजिए सीसी कैमरा से, जो व्यक्ति का जो डॉक्टर के ड्यूटी है जो स्टाफ के ड्यूटी है वो ड्यूटी में क्या कर रहे थे, सही रूप से इलाज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, तो वैसी पीरियड में अगर कहीं ना कहीं लापरवाही होती है तो सरकार की संपत्ति नष्ट होता है, अस्पताल की बदनाम होती है कि अस्पताल से लोग विश्वास हटने लगता है और बाहर प्राइवेट में जाने का प्रक्रिया लोग शुरू कर देते हैं। तो ऐसी पीरियड में हम सिविल सर्जन से मांग करें कि जो जो व्यक्ति का ड्यूटी है उसके रोस्टर के अनुसार रोस्टर भी चेंज होना चाहिए। एक एक व्यक्ति का ड्यूटी छः छः साल साल भर एक जगह रह जाता है तो इसी पीरियड में भी काफ़ी लापरवाही हो जाता है, तो हम चाहेंगे कि रोस्टर का चेंज होना चाहिए, देहात के स्टाफ को शहर में लाइए, शहर के स्टाफ को देहात में लाइए। तो अभी ये बताइए उस वक्त किस डॉक्टर के मतलब ये था? डॉक्टर आलोक कुमार की ड्यूटी था। आलोक कुमार की ड्यूटी थी और वो ड्यूटी में वहाँ प्रेजेंट थे? नहीं, वो परिजन के कहना है कि जो डॉक्टर के ड्यूटी थे वो उस समय थे ही नहीं। अब जरा सोचिए ना, इस तरीके से आए दिन घटनाएं होती रहती है। इसके दो दिन पहले एक और मामला सामने आया था कि सिविल सर्जन के बगल में जो इमरजेंसी वार्ड है सिविल सर्जन के ऑफिस के बगल में, वहां पे एक व्यक्ति को सांप काटा हुआ था और वहां पे 3 घंटा तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला और झाड़ फूक की भी प्रक्रिया जारी थी। अब जरा सोचिए, इस तरीके से सदर अस्पताल में आए दिन होती है कि किसी को पेशेंट को ब्लड नहीं मिल पाता है, किसी को डॉक्टर मुहैया नहीं करते, उस वक्त जो डॉक्टर रहते हैं ड्यूटी पे वो हमें लदारत रहते हैं, तो इस तरीके से मतलब एक नहीं लगता है कि मिशन 60 जो है पूरी तरीके से फ्लॉप है और जनता को किसी ना किसी मौत के घाट उतारने का एक हब बन चुका है सदर अस्पताल? देखिए, एक साजिश के तहत ये सारी प्रक्रिया चल रही है। समझ लीजिए कि जो व्यक्ति का ड्यूटी है वो ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी में रहेंगे तो इस तरह का समस्या नहीं उत्पन्न होगा, और सदर अस्पताल में किसी भी परिस्थिति में जो मैं ओझाइती वाला सिस्टम तो है ही नहीं है, परिजन जो करे बाहर करे उस सबको कोई मतलब नहीं। कि सदर अस्पताल में अगर सदर अस्पताल में अगर इस तरह का कोई काम करता है तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठता है कि स्वास्थ्य विभाग पर लोगों को विश्वास उठने लगेगा कि चलिए अब सदर अस्पताल में ओझाइती हो रहा है तो हम काहे नहीं देहात में काम करे। इस तरह के वहाँ के जो व्यक्ति थे, जो प्रभारी थे, जो मैनेजर थे, जो व्यवस्थापक थे, उनकी जिम्मेदारी बनता है कि उनको परिजन को समझा देना चाहिए कि या तो वो जिंदा है तो जिंदा बता देना चाहिए, मृत है तो मृत बता देना चाहिए, कि ताकि अब इनका प्राण निकल गया है अब कोई उझैती फुझैती करने से कोई मतलब नहीं है। अगर अगर मृत्यु हो गया है तो वो इसी पीरियड में उनको समझाना चाहिए कि अगर सांप काट दिया है तो आप इसका कागज बनवा लीजिए, सरकार आपको 4 लाख रुपये मुआवजा देने के काम करेगी, तो वो इसी परिस्थिति में बहुत चीज समान हो सकता है। अच्छा श्रीनिवास जी, एक चीज बताइए, क्या सदर अस्पताल से दिन प्रतिदिन जिस तरीके से घटनाएं लोगों का भरोसा उठते जा रहा है कि? अगर इस तरह इधर पहले बहुत दिन पहले इस तरह की घटना घटता था और लोग अब इधर विश्वास हो गया था कि अब मैंने सदर अस्पताल में समान स्थिति, फिर इधर घटना घट के इस तरह लगातार अगर घटना घटेगा तो लोगों को विश्वास उठता जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिविल सर्जन महोदय जी, आप निश्चित तौर पर
जो जो व्यक्ति ज्यादा दिन तक ड्यूटी में एक जगह पर ड्यूटी में है उसका रोस्टर चेंज कर दीजिए, तो निश्चित तौर पर आने वाला व्यक्ति जो ड्यूटी करेगा उसमें सुधार होगा।